कांग्रेस नेता ज्योत सिंह गुनसोला ने मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। ज्योत सिंह गुनसोला ने गणेश जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि मसूरी में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उनको मुख्यमंत्री हरीश रावत ने करवाया है, जबकि गणेश जोशी क्रेडिट लेने में लगे हैं। उन्होंने गणेश जोशी से पूछा कि वो बताए कि 5 सालों में उन्होंने कौन सा विकास का काम किया है। वहीं उन पर सरकारी काम में दखल देने का भी आरोप लगाया। साथ ही गुनसोला ने कहा कि कांग्रेस 2017 के चुनाव में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वो 5 ही साल नहीं कर पाए बेचारे कुछ, मैं तो चलो 20 साल नहीं कुछ किया, तब जनता ने मुझे जो है इतना सद्भाव दिया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया और आगे भी देने की बात कर रही है। उस भले आदमी से पूछो तो 5 साल में तूने पैसे खर्च करने के बाद भी, व्यक्तिगत पैसे, ऐसे ऐसे पैसे देने के बाद भी तेरी बात नहीं बन पाई। ये सिविल हॉस्पिटल तेरे कंधों पर नहीं चढ़ पाया जिसको मैंने वो जो है जिसका शिलान्यास करके गया था। क्या विधायक की उपलब्धि बताऊँगा मैं ये।